हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर, जो मेरा पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट है वो रुका पड़ा हुआ है, क्या रीज़न है सर कि पहले हमें जो पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट है वो आ रहा था, आप क्यों रुका पड़ा हुआ है? तो मोस्टली मैंने देखा जो किसान है हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर दूँ यहाँ पे, तो उनका जो डीबीटी है वो लिंक नहीं है, जिसके कारण उनका पेमेंट जो है रुका पड़ा हुआ है। तो डीबीटी को लिंक करना आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो डीबीटी को लिंक करने के दो मेथड हैं, एक ऑनलाइन मेथड है और दूसरा आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है उस ब्रांच में जाकर आप डीबीटी को लिंक करा सकते हैं। अगर आप ब्रांच जाते हैं तो आपको दो दिन जाना पड़ेगा, पहले दिन आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा और दूसरे दिन सक्सेसफुली आपका डीबीटी हो जाएगा। और मैं ऑनलाइन मेथड बताऊँ तो इसमें विद इन 10 मिनट्स के अंदर आप अपना डीबीटी को लिंक कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, और इसके लिए आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। तो डीबीटी को आज हम ऑनलाइन कैसे लिंक करेंगे अपने बैंक अकाउंट से, यही सीखने वाले हैं। तो डीबीटी को लिंक करने के लिए आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को ऑन कीजिए और उसमें किसी भी सर्च इंजन में चले जाइए। मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर सकते हैं और यहाँ आपको लिखना होगा डीबीटी लिंक ऑनलाइन, और इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे डीबीटी लिंक ऑनलाइन, उसके बाद आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट खुलकर आ जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा जिस पर लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से आप ऑनलाइन डीबीटी को कर सकते हैं। तो मोस्टली हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि फॉर्मर के लिए जो भी हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है नहीं आ रहा है, उसके लिए हम डीबीटी को लिंक करेंगे। तो यहाँ फॉर्मर्स पर क्लिक कर देंगे। तो फॉर्मर्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब जैसे फॉर्मर्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है अपना। आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन स्कीम नेम है, यहाँ पर आप पीएम किसान को चूज कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर पीएम किसान को सेलेक्ट करना है क्योंकि जो हमारे पीएम किसान सम्मान निधि का अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, इसलिए हम पीएम किसान को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कुछ सर्वर इशू आ रहा है, इसलिए मैं आपको आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि ही सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको ओरली बता दूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो पीएम किसान सम्मान निधि है उस पर सर्वर इशू आ रहा है इस टाइम में। आप जब करेंगे तब आपको मोस्टली नहीं आएगा क्योंकि इस समय सर्वर इशू जो है थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद हट जाता है। तो मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर लेंगे, उसके बाद आप जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपको एक OTP आ जाएगा और OTP डाल के आप सबमिट करेंगे तब आपका डीबीटी जो है बैंक से लिंक हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपको चेक करना है कि हमारा डीबीटी बैंक अकाउंट से लिंक हुआ या नहीं। तो इसके लिए आपको अपने गूगल में दोबारा से चले जाना है और यहाँ पर सर्च करना है, आपको सर्च करना है NPCI लिंक स्टेटस। उसके बाद आपको जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। UIDAI की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करना है और सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर दिया गया है इसको फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आप इंटर करेंगे। आप OTP को इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें आपका स्टेटस दिख जाएगा, आपका आधार नंबर दिखेगा, उसके बाद बैंक लिंकिंग स्टेटस जो है एक्टिव दिखा रहा है हमारा। बैंक लिंकिंग डेट जो हमारी 4/10/2022 है और बैंक का नाम पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है जो मैंने 4/10/2022 को लिंक किया था, और आप देख सकते हैं। और इस तरह आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें DBT को लिंक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप बैंक के आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अगर आप अपने फोन से डीबीटी को लिंक करते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।